चौबीस तारीख से हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं। 24 तारीख को 72 घंटे की स्ट्राइक है। हम तमाम साथियों से पीडीएल टीडीएल एंड अदर वर्कर डेली वेजर जितने भी हमारे साथी हैं इस स्ट्राइक को कामयाब करें। और इस बार हमारे जो सीनियर साथी डेली वेजर हैं विनोद पादा जी, वो भी खुलकर हमारा साथ दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो परमानेंट स्टाफ है, चाहे वो लाइनमैन है, चाहे मीट रीडर है, चाहे हमारे जेई साहिबान है, उनको भी हमारे लिए खुल के बाहर आना चाहिए। अगर हम खुल के बाहर आए उनको भी आना चाहिए। लेकिन हमें अब 24 तारीख से हम जो 72 घंटे की कॉल दे रहे हैं उसको कामयाब करने के लिए हम तमाम साथियों से ये कहते हैं कि जहां जहां भी हमारे साथी हैं वो काम छोड़ हड़ताल है हमारी, सारे एमडी ऑफिस 10 बजे 24 तारीख को पहुंचे। और हम दूसरी बात ये करना चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे एमडी साहब से हम मिले थे, एमडी साहब हमें कहते हैं कि ये रिज्यूमर है और उन्होंने ये ट्यूट करके भी कहा, दूसरी साइड ये पेपर में आ जाता है कि हम टेंडर कर रहे हैं इनका एचसी और एलटी का। जब एचसी और एलटी का टेंडर हो जाएगा जो वहाँ लाइनमैन होगा उसकी जगह 3 लाइनमैन आ जाएंगे, वो बेचारा क्या करेगा और उसकी फैमिली क्या करेगी। इसलिए हमें ये सारा मद्देनज़र रखते हुए 24 तारीख से हम सारे स्ट्राइक पे जा रहे हैं। 72 घंटे की कॉल है और हम तमाम साथियों से जम्मू प्रामिस के जितने भी हमारे डेली वेजर पीडीएल टीडीएल अदर वर्क है सबको कहते हैं कि खुल के बाहर आएं। इस बार ईंट से ईंट बजा देंगे क्योंकि अब हमारे हमारी यही मांग है कि जो एलजी साहब ने कमेंडमेंट की थी 12,000 लोगों को ट्यूट करके कहा था कि हमने 12,000 लोग रेगुलर कर दिए हैं, जब तक वो 12,000 लोग रेगुलर नहीं होंगे तब तक हम भी शांति से नहीं बैठेंगे।